इसे पकड़ो, वो अब चुप जाओ। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अगस्त्य फादर जॉन। आपको पता है इसके साथ अभी 17 तारीख को क्या घटना हुई थी, और यू डोंट हैव टू वरी, ये आगे भी ब्लॉग्स कंटिन्यू रखेगा। बाप का सपोर्टर मरते दम तक तो रहेगा इसके साथ। लेकिन आपको एक चीज बता दो, जो चीज मोबाइल इसमें वीडियो में दिखती है वो हमेशा सही नहीं होती, इसलिए कुछ वीडियोस हम डालने वाले जिसमें आपको पता लगेगा व्हाट ही वाज डूइंग, वो कॉलेज से बाहर कैसे आया, उसके साथ क्या क्या हुआ, वो आपको सरप्राइज करेगा। पुलिस ने अपना काम अच्छा किया है, हम उसमें अप्रिशिएट करते हैं उनको भाई। जो तेज चलाएगा उसका चलान काटेंगे, जो स्टंट करेगा उसका चलान काटेंगे, लेकिन कुछ बातें उनकी भी झूठी है जो आपको दिखेगी आने वाले आगे उसमें लीजिए। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ गाइस, मैं आपसे घर से इस समय बज रहे हैं 5:30 PM और आज 23 मार्च। और गाइस फटाफट आप सब लोग ये वाली ब्लॉग देख लो, 1 2 3 4 लेट्स गो। इस वाली ब्लॉग को पूरी देखना, जैसे मैं 3 2 1 बोलूंगा ना एकदम ब्लॉग चालू हो जाएगा अपना भी। तो ये वाली ब्लॉग पूरी देखना, इसको समझना, फिर मैं आप सब लोग को बताऊंगा सीन क्या है। 3 2 1 गो। तो समझदार लोग ऑलरेडी ब्लॉग मेरा समझ में आ चुका होगा, थोड़ा सा मैं और अच्छे से आप सबको समझा देता हूँ। तो गाइस आप सब लोगों को पता है मैं अपनी Z1000 कॉलेज की ओर जाता हूँ, और उस दिन मैं अपनी Z1000 ले गया था 17 मार्च को 12 बजे करीब मैं अपने कॉलेज में पहुंच गया था। गाइस मैंने अपनी 4 क्लास अटेंड करी और मैंने अपनी पार्किंग से अपनी Z1000 को स्टार्ट करा और सीधा गाइस बाहर को निकला। और गाइस आप सब लोग को पता है यार मेरी फैन फॉलोइंग बहुत खतरनाक है, आप सब लोग को पता है मेरे फैंस बहुत ज्यादा कट्टर है, वो मेरा ऑलरेडी वेट कर रहे थे। तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आप सबको देखा ब्लॉग में वेट कर रहे थे गाइस, वो मेरा रोज ही वेट करते हैं, उनको अच्छा लगता है मेरे से मिलना, मेरे से बात करना, वो मेरी बाइक को देख खुश होते हैं। मैं भी थोड़ी देर उनके लिए रुक जाता हूँ ताकि उनको और अच्छा लगे, उनकी खुशी देख के मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और गाइस छोटे छोटे बच्चे आप सबको बताया, छोटे छोटे बच्चों को सुपर बाइक बहुत ज्यादा पसंद है। सारे के सारे फैंस आ गए मेरे, जितने मेरे सब्सक्राइबर थे फैंस मेरे कट, सबसे मैंने हाथ मिलाना चालू कर दिया, एक एक करके सब खुश हो रहे थे। सिविलियन ड्रेस में अननोन बंदे आ गए, अननोन बंदे आप सब लोग को पता है कौन है, समझदार व्यक्ति समझ जाएगा। भैया भैया एक बार हाथ तो मिला लो। अरे पुलिस वाले भाई भैया, जाओ यहां से पुलिस आके जाओ, लो चल 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 उसमें चाबी निकालियो, ब्लैक ऑप्स है ये, ब्लैक ऑप्स है ये पुलिस निकाल दी चाबी तुम्हारी। अरे ये ब्लैक ऑप्स है, भाई पुलिस है वो। जैसे मेरी चाबी निकाली गाइस मैं समझ गया सीन क्या होने वाला है, तो मैंने अपने पापा को फटाफट कॉल करा जैसा कि आप सब लोगों ने देखा। तो गाइस मेरे फ्रेंड इतने सारे हैं कट्टर हो गए गाइस, तो उनको मैंने समझाया कि गाइस ये अननोन बंदे सिविलियन ड्रेस में कॉप्स हैं, कॉप सिविलियन ड्रेस में कॉप्स हैं। तो मैंने कहा आप सब लोग जाओ, अरे
आपने देखा वो दो अननोन बंदे रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वो कौन है भाई बता दो मुझे भी कौन है। आप सब लोग अननोन बंदे रिकॉर्डिंग करने लग गए, वो अनसन कुछ भी कहानी भाई कुछ भी बना दी, कुछ भी घी शक्कर आलू पूरी भाई सब बेल दिया वहाँ उन्होंने, रोटियाँ भी बना दी, चलो कोई दिक्कत नहीं सब कुछ कर दिया। और गाइस फुल प्लानिंग के साथ मेरा हाथ पकड़ो, बहुत ही प्यार से मतलब निर्मता के साथ मेरे को पकड़ा एक बंदे ने, सीधा पंजा मारा गाइस मेरे 70,000 रुपए वाले GoPro 10 में, खींचा उसको नीचे। आप सब लोगों को बताएं मेरे GoPro 10 में वायर लगी रहती है तो लटक गया कैमरा गाइस, मैंने अपना कैमरा नहीं छोड़ा गाइस, 70,000 रुपए कैमरा है, मेहनत से कमा रहा है, दिन रात एक कर रखा है। आप सब लोगों को तो पता ही यार कितनी मेहनत से मैंने GoPro 10 खरीदा था ना गाइस, की वायर तो हाथ में आ गई थी, मेरे को डर लग रहा था मेरा कैमरा टूट जाए, और उन्होंने इतनी नरमी के साथ सात आठ बिल्कुल प्यार से भाई कुछ नहीं करा, कपड़े अपना आप फट रहे मेरे भाई, मेरी कॉलेज की ड्रेस अपना आप फट गई, यहाँ से अपना आप कट गया, यहाँ से अपना आप छिल गया ऑटोमेटिकली गाइस, पता इतनी नर्मदा इतने प्यार से दिखाया भाई, दर्शन इतने प्यारे हो गए ना गाइस, सीधा इन्होंने मुझे गाड़ी में ठूस दिया गाइस, हाथ इन्होंने हाथ लगाना चालू कर दिया गाड़ी के अंदर मेरे। Z1000 के बगल से कार गई गाइस, उस कार में सीन हुआ, मेरा हेलमेट उतारने की कोशिश कर रहे, शीशा तो वहीं सुहा कर दिया, 2000 रुपये का शीशा तो वहीं गिर गया, वहीं तोड़ दिया उन्होंने जो भी कर। तो गाइस उन लोगों ने मेरे को अपनी महिंद्रा कार में बिठवा दिया, तो गाइस मुझे भूख भी लग रही थी, मैंने सोचा रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट ले रहा हूँ चाउमिन मोमो खिलाने, मैं भी एक्साइटेड हो गया। मेरे ध्यान में ख्याल आया मैंने गाड़ी ना आगे पलट ना जाए, फिर मैंने सोचा यार ये तो उत्तराखंड है यहाँ नहीं हो सकता, वो तो यूपी में होता है उत्तराखंड में नहीं होगा ऐसा गाइस, पर मैं थोड़ा घबरा था कि गाड़ी थोड़ी डिबकने वाली चल रही थी वहाँ पे, तो उसके बाद मैं क्लेमेंट टाउन थाने में चला गया। आपको लिया था इंस्पेक्टर साहब को, इंस्पेक्टर को लिया बिठा के, इंस्पेक्टर को पीछे तो है वहीं पीछा पीछा आई नहीं गाड़ी हमारी आई आई पीछे ना पीछे गाड़ी ले जाता हूँ सभी इसे वो करो सर। और गाइस जैसे कि आप सबको देखा, फिर मेरे को उन्होंने गाड़ी से उतारा बाहर, और आपने देख ही लिया होगा कि कितने ही प्यार से नरमी के साथ मेरे को गाड़ी से बाहर निकाला, मेरे कपड़े ऑटोमेटिकली फट रहे हैं, हाथ से खून अपना आप निकल, और गाइस मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा था दर्द, पार्टी में होकर तो गाइस हो ही जाता है, और आप सबने देखा भाई साहब ने कितने प्यार से मेरा 70,000 रुपये का कैमरा अपने जेब में डाल लिया भाई, मेहनत की कमाई से कमा रखा है, दिन रात एक कर रखी है भाई उस कैमरे के लिए, आप सब लोग को तो पता है। तो गाइस इंटरवल उस कैमरे की कहानी आप सब लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा, और इस फोन की कहानी जो है ऑटोमेटिकली वीडियो अपलोड हो रही है यूट्यूब में, और जिन जिन लोगों ने मेरे यहाँ तक ब्लॉग पूरा देख लिया है उन्हें समझ आ चुका होगा गाइस सीन क्या है, और आप सब लोग तो समझदार हो, आप सब लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे, और जो जो मेरे सब्सक्राइबर गाइस थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, मेरे को ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं फैंस मेरे कट्टर, मिलते हैं आप सब लोगों से बहुत जल्द एक नई ब्लॉग के साथ।